बनाएंगे बीफ जिंजर मसाला। ऐसा करते हैं कि गोश्त को लहसुन के साथ फ्राई होने के लिए रख देते हैं और फिर आ जाएंगे अपने इस बेक्ड ऑमलेट की तरफ। और इसको हमने अब कुछ भी नहीं करना, सिंपली बेक करना है। तो मैं अब इसमें ऐड करने जा रही हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमिस ऑयल। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा कप, जो कि खालिस जैतून के साथ बनाया जाता है और बहुत ही अच्छा है। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो आपका ऑयल भी ज़बरदस्त होना चाहिए, यानी कि हेल्दी होना चाहिए। तमाम ही खानों में हम ऑयल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मैं स्टोव को कर लेती हूँ ऑन और इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन और साथ ही मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूँगी। हम इसको गाय के गोश्त के साथ बना रहे हैं और आप इसको चिकन के साथ बनाना चाहें या फिर आप इसको तैयार करना चाहें मटन में, आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐड कर देती हूँ। इसकी जो यखनी है वो भी हम यूज़ कर लेंगे। तो चलिए इसमें चला गया, इसको कुक होने देते हैं और थोड़ा सा इसको और फ्राई होने देते हैं, मसाले ऐड करते हैं और उसके बाद आँच को बंद करके हम इसमें शामिल कर देंगे दही। हरी मिर्चें मैं इसमें अभी ऐड कर देती हूँ, चंद हरी मिर्चें हम शामिल कर देते हैं सेंटर से काट के। वैसे तो अदरक का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है सर्दियों में, स्पेशली अदरक की चाय मज़े की भी बहुत लगती है। दूध वाली भी अगर आप चाय अदरक के साथ बनाते हैं वो भी बड़ी टेस्टी बनती है। और इसके अलावा गरम मसाले के कहवे में अगर आप अदरक का पीस शामिल कर दें तो बहुत अच्छा है। थ्रू आउट दी सर्दियाँ आप उसको लें तो आपका सीना भी साफ़ रहेगा। अदरक का पानी शहद के साथ बच्चों को भी दिया जाता है और उससे भी खांसी, सीने की जकड़न, तमाम चीज़ों में बहुत अच्छी रहती है। ज़रूर इस्तेमाल करें अदरक का। और अदरक से मिलती जुलती हल्दी भी मार्केट में आई हुई है, सीज़न है उसका, तो वो भी ज़रूर लें। और लोग उस हल्दी को लेके और पीस के सुखा के पूरा साल इस्तेमाल भी करते हैं। ब्रेक की तरफ जाना है तो मैं मसाले ऐड कर देती हूँ, फिर ब्रेक की तरफ जाते हैं। भुना और पिसा ज़ीरा शामिल कर देते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। अब मैं इसको मसालों के साथ थोड़ा सा कुक होने देती हूँ, वापस आते हैं, दही ऐड करेंगे, भूनेंगे। तो मैं अभी इसको कर रही हूँ कवर, मिलते हैं उसके बाद। और इसको हमने भून लिया, अच्छा सा गोल्डन भी हो गया तमाम मसालों के साथ। बीच में मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। अब इसकी आंच को बंद कर दिया है ताकि हम इसमें शामिल कर दें दही और फिर हम इसको अच्छा सा भून लेंगे कि दही का जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी चॉप्ड अदरक और हम इसमें शामिल कर देंगे लेमन जूस। तो चलो इसमें चला जाएगा दही, अच्छा सा मिक्स करने के बाद स्टोव को ऑन करें ताकि दही फटे नहीं, वरना फिर ग्रेवी जो है वो ख़राब हो जाएगी। चलें ये चला गया इसमें दही, और अच्छा सा मिक्स कर लेने के बाद मैं इसका स्टोव दोबारा से ऑन कर दूंगी। साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं चॉप्ड अदरक 1 टेबल स्पून भर के और हम इसमें शामिल कर देंगे लेमन जूस। लेमन जूस इसमें चला गया, अच्छा सा हमने इसको करना है मिक्स और स्टोव को ऑन करके अब इसको भून लेते हैं। गोश्त तो बिल्कुल गला हुआ है, हमने कुछ भी नहीं करना सिवाय इसके कि मसाले को अच्छा सा भून लेते हैं। अच्छा, ना तो बहुत ज़्यादा ड्राई रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला। बेक्ड ऑमलेट जो है वो बेक हो रहा है, हमने तमाम चीज़ों को मिक्स किया और उसको बेक होने के लिए रख दिया। तो जैसे ही वो बेक हो जाता है उसको निकाल के हम सर्व कर देंगे। इसके साथ हमने ऐड कर देना है फिर हरा धनिया, लेमन जूस हम शामिल कर चुके हैं, ज़्यादा खट्टा अच्छा लगता है और ऐड कर दीजिए। सिर्फ अब हम इसमें शामिल करेंगे जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे, तो अगेन 1 टेबल स्पून अदरक। अदरक का पेस्ट शामिल मत कीजिएगा, उसका फ्लेवर फिर अलग से आएगा बहुत ज़्यादा अदरक की। लेकिन अगर फ्रेश अदरक को काट के ऐड करेंगे तो फिर वो अच्छी लगेगी, मुंह में आती हुई भी अच्छी ही लगेगी। तो आपने पेस्ट ऐड नहीं करना, उसको काट के और फ्रेश अदरक का इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। तो इतना भून लेते हैं कि स्पेशली ये जो दही का पानी है ये अच्छा सा ड्राई हो जाए। नमक एडजस्ट कर सकते हैं इस वक्त,
चेक कर कर देख लीजिए, नमक या मिर्च अगर आपको कम लगती है तो आपने इस स्टेज पे उसको ऐड कर देना है। और हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और हरी मिर्चें, दोनों तरह की मिर्च जो है हमने इसमें शामिल की थी फिशिंग में, और कुछ मैं शामिल कर देती हूँ अभी। और बस मैं इसकी आंच को बंद कर रही हूँ। खूबसूरत सा प्लेटर निकालें, सर्व कर दें और ऑमलेट की।